आरजेडी की कमान जैसे ही लालू प्रसाद यादव के हाथों में आई, नीतीश कुमार को अपने कानून व्यवस्था की याद आ गई। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब आरजेडी के सुप्रीमो बने रहेंगे। 11वीं बार वो निर्विरोध चुने गए हैं। सीएम नीतीश कुमार अब अपने कानून व्यवस्था के राज को कायम करने में जुट चुके हैं। सीएम ने इस बात का दावा किया है कि बिहार में कानून राज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज पहुंचे थे और वहां उन्होंने 1042 करोड़ रुपए की 96 योजना का उद्घाटन और 493 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि हमने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है, हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर। उन्होंने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पुआल में आग लगने से खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है, इसलिए लोग इसे जलाएं नहीं बल्कि मशीनों से उसका दूसरा उपयोग करें। किसान खेत में पुआल नहीं जलाएं, इससे वायु प्रदूषण होता है। पुआल जलाने की प्रवृत्ति को खत्म करना है। सीएम नीतीश ने घोषणा की कि फसल अवशेष को जलाने से बचने के लिए मशीन पर सरकार सब्सिडी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो या फिर जानवर, सबको जल की जरूरत है। उन्होंने सवाल पूछा कि भूजल और नीचे चला जाएगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान चलाना चाहिए और कई कार्यक्रमों को उन्होंने देखा। और इस दरमियान उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। लेकिन ये बड़ा ऐलान आखिर से नीतीश कुमार ने क्यों कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम आपको बता दें कि लालू यादव फिर से आरजेडी अध्यक्ष चुने गए हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचानक से कानून व्यवस्था की याद आ गई। आखिर अचानक कानून व्यवस्था को लेकर इतने ज्यादा सजग कैसे नजर आने लगे, ये सवाल उठ रहा है। आपकी क्या है राय, आखिर क्यों आईना दिखाने पर तुले हैं नीतीश कुमार, क्या है इशारा नीतीश कुमार का, इस पर दीजिए अपनी राय। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।